ठीक है। देखिए क्वेश्चन, इसमें हमें दिया है कि एक रेजिस्टेंस है आर, कैपेसिटर सी और रॉड जो है उसको कांस्टेंट वेलोसिटी वी से मूव कराना है इसके ऊपर, तो कितने फोर्स की जरूरत हमें पड़ेगी, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर देखेंगे तो इसमें से दो सर्किट तैयार होंगे। देखिए पहला होगा ये वाला सर्किट, ये एक सर्किट होगा और ये एक सर्किट होगा, दो सर्किट होंगे। पहले सर्किट में करंट मान लेते हैं कि I1 है, दूसरे सर्किट में करंट I2 है ऐसा मान लेते हैं। तो इसका मतलब यहां पर करंट कितना होना चाहिए, I1 + I2 होना चाहिए, यस और नो? ये समझा सबको, इस रॉड में करंट कितना होना चाहिए, I1 + I2। अब पहले सर्किट में जहां पर रेजिस्टेंस है उस वाले सर्किट की अगर बात करें हम, तो वहां पर EMF E1 जो प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा BLV, क्योंकि इसका लेंथ L दिया हुआ है, रॉड का लेंथ L है, तो BLV कितना EMF जनरेट हो जाएगा इस रॉड में। तो रेजिस्टर सर्किट में जो करंट रहेगा I1, तो वो कितना रहेगा, वो रहेगा E1/R, इसका मतलब BLV/R, इतना करंट रहेगा। ठीक है, ये हुई पहली बात। उसके बाद अब अगर कैपेसिटर सर्किट की बात की जाए, तो कैपेसिटर सर्किट में भी E2 उतना ही रहेगा BLV, और Q इक्वल्स टू होता है CV, V मतलब होता है वोल्टेज, तो C × E। तो फिर से वही, ये बनेगा C × BLV। ठीक है, तो इसका मतलब आपका करंट जो होगा I2 वो dQ/dt होना चाहिए, जो फिर से बनेगा जीरो, है ना? तो उसमें करंट आएगा ही नहीं, उसमें अगर करंट आएगा ही नहीं तो टोटल करंट रॉड में से कितना हुआ, I1 + I2, सिंपल सी बात है ना? तो इसको अपोजिंग जो फोर्स होगा, अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स कौन सा होता है, F = BIL। तो ये फोर्स हो जाएगा आपका B × I, I मतलब I1 + I2, और I2 तो जीरो ही आया है, तो बस I1 BLV/R, BLV/R × L। तो ये बना B²L²V/R बनेगा फोर्स। तो इतना ही फोर्स हमें बाहर से भी देना पड़ेगा, एग्रीड? तो क्या आपका आंसर आ रहा है? हाँ शुभम का आया, B²L²V/R, शाबाश शुभम, वेरी गुड। समझाए सबको, क्लियर? इस तरह से सॉल्व करने होते हैं इसकी प्रॉब्लम्स। ठीक है जी,
चलो आगे चलते हैं। इसी तरह का और एक प्रॉब्लम है जो हमने पहले भी किया था, इसी तरह का प्रॉब्लम था वो, तो जिसमें फिर से हमें यहां पर कहा गया था कि भाई ये ऐसा फ्रेम है और इसमें इसके ऊपर रॉड है, ऐसा रॉड है, ठीक है, और इसमें बोला गया है आपको कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इज बी, मैग्नेटिक फील्ड बी, द रॉड रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट रॉड रिलीज फ्रॉम रेस्ट अंडर ग्रेविटी। अब तो फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, और इसमें कैपेसिटर लगाना है ऊपर, ये मैं लगाना भूल गया, यहां पर है कैपेसिटर, हाँ ठीक है, यहां पर है कैपेसिटर, सी तो अब अगर देखा जाए तो यहां पर जब ये नीचे आने लगेगा ये रॉड, तो रॉड को नीचे की तरफ फोर्स जो रहेगा वो रहेगा mg, और जब ये नीचे आएगा तो ईएमएफ भी जनरेट होगा, ईएमएफ के करंट 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 आएगा, वो जो करंट होगा उसके कारण ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा। अब हमने अब तक जितने केस सॉल्व किए उन सब में फोर्स जीरो आ रहा था, क्यों? क्योंकि करंट जीरो आ रहा था। यहां पर वो जीरो आता है कि नहीं उसको देखते, पहले वेलोसिटी कांस्टेंट था, लेकिन यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट थोड़ी ना है, इसीलिए v जो वेरिएबल आता था पहले, अभी वो यहां पर नहीं आएगा, v कांस्टेंट आता था, यहां पर कांस्टेंट नहीं आएगा, समझा? देखिए इसका सॉल्यूशन, तो प्यारे बच्चों e जो रहेगा इस सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू मोशनल ईएमएफ bLv, वेर वी इज वेरिएबल, वी इज नॉट कॉन्स्टेंट, वी जो है वेलोसिटी, इट इज वेरिएबल, वो कॉन्स्टेंट यहां पर नहीं है, अब तक की प्रॉब्लम्स में कॉन्स्टेंट मानते थे इसको, तो करंट क्या होगा? करंट जो होगा डीई, आई एम सॉरी, चार्ज क्या होगा? चार्ज क्यू इक्वल्स टू सी वी, तो ये सी इंटू ई, तो ये बना सी इंटू बी एल बी, और यहां से करंट आ जाता है, करंट कितना आएगा? डी क्यू बाय डी टी, तो ये सी बी एल वी डी वी बाय डी टी, समझा? और ये जो डीवी बाई डी टी होता है यही तो एक्सेलरेशन होता है, तो आई इक्वल्स टू
CBL acceleration. ओके लेकिन हमें करंट नहीं पता है तो एक्सेलरेशन और करंट दोनों अननोन है ना, तो फोर्स में इसको डाल देते हैं. तो फोर्स कितना आएगा, फोर्स आएगा F इज इक्वल टू बी आई एल, पता है ना फॉर्मूला, बी आई एल या फिर आई इंटू एल क्रॉस बी. ठीक है तो हो गया काम. तो अब ये बनेगा B इंटू आई है B सी बी एल ए इंटू एल. तो ये बना सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर ए एफ. ठीक है आगे बढ़े. तो अब ये अपोजिंग फोर्स हो गया, तो नीचे जाने वाला फोर्स mg, ऊपर वाला फोर्स f. तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो लिखूंगा मैं mg माइनस f will be mass into acceleration. mg minus f, f है आपका c b square l square a equals to ma. हमें a चाहिए तो यहां पर भी a यहां पर भी a उनको कॉमन ले लेंगे. तो mg equals to c b square l square कॉमन ए कॉमन ले लिया प्लस एम इंटू ए. तो ए का फॉर्मूला बनेगा एम जी डिवाइडेड बाय सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम. दिस विल बी योर आंसर. तो क्या ये समझ में आया, क्लियर? इनका कहना है कि हाउ यू कंसिडर्ड दैट एम जी इज ग्रेटर देन एफ, क्योंकि बेटे इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट. इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट. जब रेस्ट पे था, जब सो रहा था, तो इसके ऊपर बस एक ही फोर्स लग रहा था एम जी. जैसे जैसे नीचे जाने लगा तो वेलोसिटी बढ़ने लगा. तो वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है तो एक पॉइंट आएगा जहां पर धीरे 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 वेलोसिटी बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा. तो वो बढ़ने का जो रेट है वही तो है ये एम जी अपॉन सी बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस एम. और जब बढ़ते जाएगा एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये एफ बढ़कर एम जी के बराबर हो जाएगा. और जब एफ एम जी के बराबर हो जाएगा तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और ये नीचे चला जाएगा एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, जिसका नाम होगा टर्मिनल वेलोसिटी, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था टर्मिनल वेलोसिटी. याद है आपको टर्मिनल वेलोसिटी है ना? उसके बाद ये क्या होगा, टर्मिनल
वेलोसिटी हो जाएगी।